हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सीखेंगे प्रिंसेस कट ब्लाउज की ड्राफ्टिंग एंड कटिंग, वो भी बहुत ही इजी तरीके से। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप मेरे वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और यहाँ पर देखिएगा, हम इस फैब्रिक को टू फोल्ड कर लेंगे। ये जो फोल्डेड साइड है हमारी साइड रखने के बाद ओपन साइड अपोजिट साइड रख लेंगे। ये आप सभी को हर एक वीडियो में बताती हूँ कि इसी तरीके से आप किया कीजिए। और यहाँ पर हम बॉटम में इसको सीधा कर लेंगे, उसके बाद लेंथ लेंगे। यहाँ पर सीधा कर लेना है स्केल से, उसके बाद यहाँ पर हम लेंगे इसकी लेंथ। कितनी आपको ब्लाउज की, जितने भी आपको लेंथ चाहिए ब्लाउज की कंप्लीट, उसमें 1 इंच प्लस करके लेना। मैं 14 इंच ले रही हूँ यहाँ पर, उसमें 1 इंच प्लस करेंगे 15 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर शोल्डर लेंगे 5.5 इंच, क्योंकि नेक यहाँ पर डीप है। उसके बाद यहाँ पर आर्मोल लेंगे 5.5 इंच, आर्मोल लाइन लेने नहीं है 5.5 इंच। उसके बाद यहाँ पर लाइन को सीधा कर दे। यहाँ पर चेस्ट 30 इंच है, तो उसके हिसाब से यहाँ पर उसका फोर्थ भाग लेंगे 7.5 इंच, डेढ़ इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। उसके बाद यहाँ पर वेस्ट लेंगे 6 इंच और 2.5 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे, इसमें 1 इंच डाट का भी आ जाएगा। अब यहाँ पर लेकिन हम बना रहे हैं 34 साइज़ का ब्लाउज़, तो उसके हिसाब से यहाँ मैं मेज़रमेंट आपको बता रही हूँ कि 8.5 इंच यहाँ पर लेंगे 34 का फोर्थ भाग, 8.5 इंच एंड 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का। उसके बाद यहाँ पर वेस्ट लेंगे 7.5 इंच, 2.5 इंच एक्स्ट्रा ले लेना है हमें। 1 इंच बैक में डाटा आएगा, उसका भी हमने यहाँ पर ऐड कर लिया है। उसके बाद लाइन को सीधा कर लेंगे। यहाँ पर देखिए फिटिंग लाइन को और जो हमने एक्स्ट्रा मार्जिन लिया उस लाइन को मिला देना। उसके बाद 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेना है हमें यहाँ पर। इस तरीके से सीधा करने के बाद राउंड में यहाँ पर सिलाई मिला देंगे, सॉरी राउंड में हम यहाँ पर मिला देंगे। उसके बाद 2 इंच यहाँ पर हमें लेना है, 2.5 इंच, उसके बाद 2 सूत, इतना 2 इंच 2 सूत हमें लेना है, 2.5 इंच कंप्लीट लेना है, इतना हमारा सिलाई मार्जिन में चला जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 9.5 इंच हम लेंगे यहाँ पर बेक नेक की लंबाई। उसके बाद 3 इंच हम बॉटम में लेंगे इसकी विड्थ में। उसके बाद यहाँ पर एक बॉक्स बना देंगे, ये देखिए। अब यहाँ पर आपको, मैं यहाँ पर राउंड शेप बना रही हूँ नेक। आप यहाँ पर आपके पसंद के अकॉर्डिंग यहाँ पर कोई भी डिज़ाइन आप यहाँ पर ड्रॉ कर सकती हैं। यहाँ पर बेक में हम डाट लगाएंगे, जो हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया उसके लिए। 4 इंच की हम यहाँ पर लेंथ लेंगे एंड विड्थ भी 4 इंच की लेंगे। उसके बाद इस तरीके से तिरछे में लाइनों को मिला देंगे। अब यहाँ पर हम लेंगे 0.5 इंच, इतना नेक को डाउन करेंगे और इसको कट कर लेंगे। तो ये हमारे बेक पार्ट के ब्लाउज़ की बेक हमारे कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पर फ्रंट की हम कटिंग करेंगे, प्रिंसेस कट वाले पार्ट की। जो हमने बेक पार्ट कट किया है उसी को हम इस तरीके से रखेंगे, 1/2 इंच आई हुक का छोड़ते हुए। इस तरीके से देखिए हमने जमा लिया है, यहाँ पर ड्रॉ कर लिया है, नीचे से भी हम बराबर इसको ड्रॉ कर लेंगे। ज़्यादा फैब्रिक नहीं है तो 1/2 इंच यहाँ पर बढ़ाया है मैंने नीचे बॉटम में। उसके बाद एज मार्किंग करने के बाद यहाँ पर देखिए 1 इंच से 1/2 इंच जितना आपका बच रहा हो, यहाँ पर फैब्रिक इतना नहीं है तो मैंने यहाँ पर 1/2 इंच से लिया है, इतना आपको बड़ा लेना है। उसके बाद यहाँ पर नेक की लेंथ लेनी है, नेक की लेंथ 5.5 इंच हम यहाँ पर रख रहे हैं। और राउंड में शेप लगा देंगे। उसके बाद यहाँ पर टक्स पॉइंट लेना है, तो टक्स पॉइंट आप, ये 34 साइज़ का है, उसके हिसाब से यहाँ पर हम लगाएंगे 10.5 इंच पर। ये देखिए फ्रेंड्स, जितने चेस्ट होते हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर टक्स पॉइंट लगाया जाता है। उसके बाद 3.5 इंच बॉटम साइड से हम यहाँ पर लेंगे
और 3.5 इंच यहाँ पर लेंगे। उसके बाद इन लाइनों को सीधा कर देंगे। टक्स पॉइंट तक हमें इस लाइन को सीधा कर लेना है। उसके बाद देखिए हल्के हल्के हाथों से इसे राउंड शेप बनाएं और यहाँ पर थोड़े थोड़े से यहाँ पर हम इसमें टक्स से डालेंगे। 1 इंच आप इधर से ले और 1 इंच उधर से, दोनों साइड से 1-1 इंच ले ले और इसको ऐसे तिरछे में मिला दें। ये देखिए, ये मैं बहुत ही सिंपल और आसान तरीका लाई हूँ आज आपके लिए प्रिंसेस कट ब्लाउज का। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये देखिए 2 इंच एक्स्ट्रा है तो हम 2 इंच एक्स्ट्रा यहाँ पे ले लेंगे और 2.5 लेंगे क्योंकि सिलाई मार्जिन में भी जाएगा हमारा फैब्रिक। इधर भी हमें 1 से 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लेना है आर्म होल साइड से। यहाँ पर लाइन को सीधा कर लें यहाँ से हम आर्म होल डबल से यहाँ पे नाप लेंगे 5.5 इंच। इस लाइन को सीधा कर दें। क्योंकि ये फ्रंट पॉकेट है, यहाँ पे फ्रंट में आर्म होल में हमें छटाई करनी होती है तो 1/2 इंच इतना और जो एक्स्ट्रा हमने नीचे लिया था उसमें भी यहाँ से कट कर लेंगे। तिरछे में कट करना है यहाँ पर हमें। ये देखिए देख लीजिए, हमने एक बार और मेज़रमेंट करके आपको बता दिया है। इस तरीके से हल्के हल्के हाथों से आप थोड़ा सा ऊपर ले लें इसको इस तरीके से। ये देखिए एक बार तो हमने यहाँ पर 10.5 इंच लिया, उसके बाद नेक की राउंड और यहाँ पर जितना गैप लिया और यहाँ 3.5 इंच इतना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको ये सारी मेथड समझ में आ गई होंगी। अभी हम इसको कट कर लेते हैं। यहाँ पर प्रिंसेस कट वाले पार्ट को भी हम यहाँ पर कट कर लेंगे। ये देखिए सेंटर से सेंटर मिलाते हुए आपको यहाँ पर स्टिचिंग लगानी है। अभी यहाँ पर देखिए बैक के आर्म होल को मेज़रमेंट करेंगे। ये देखिए हमारा आना चाहिए यहाँ पर 8 इंच क्योंकि हमारा 34 साइज़ है। 8.5 इंच तक हमें यहाँ पर चाहिए तो हम इसको अंदर से 5 पॉइंट की जगह 6 इंच पर यहाँ पर निशान लगाकर इसको थोड़ा और बढ़ा लेंगे। ये देखिए अब इसको कट कर लेंगे। अब इसका एक बार और मेज़रमेंट करेंगे 1/2 इंच ऊपर छोड़ते हुए। तो ये देखिए आ गया हमारा यहाँ पर 8 इंच। यहाँ पर स्लीव्स के लिए मार्किंग करेंगे। 8 इंच आया था तो 1/2 इंच बढ़ा कर लेंगे, उसके बाद 1.5 इंच एक्स्ट्रा और लाइन को सीधा कर लेंगे। यहाँ पर जितनी लेंथ रखनी है 4.5 इंच इसको लेकर सीधा कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर आर्म होल के यहाँ पर भी हमें 2 इंच पर निशान लगा देना है और ये हमारा मेन फिटिंग लाइन है। यहाँ से इसे तिरछे में मिला है स्केल से। ये इस तरीके से हमारी स्लीव्स की एक तरफ से इस तरीके से आपको राउंड में लगाना है। उसके बाद ये देखिएगा 8 इंच यहाँ पर देखिए इस तरीके से ये हमारा आ गया है 8.5 इंच। ये इस तरीके से आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर हम एक लाइन इस तरीके से और एक लाइन इस तरीके से पत्ती का शेप यहाँ पर बनाएंगे फ्रंट और बैक के लिए। ये देखिए इस तरीके से आपको यहाँ पर कट कर लेना है। ये फ्रंट वाला है तो आज मैं बहुत स्लोली स्लोली आपको बता रही हूँ, प्लीज़ अच्छे से समझिएगा।
और एक बार ट्राई करके कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो को लाइक कर दें अभी। और यहाँ पर देखिए हमने सारे पार्ट को कट कर लिया, उसके बाद मेन फैब्रिक पर भी हम इसको कट कर लेंगे। जिस तरीके से इसे मैंने रखा है ऐसे ही आपको रख लेना है और कट कर लेना है। ये देखिएगा सारे को कट कर लेंगे, नीचे से बॉटम को कट करेंगे यहाँ पर। ये देखिए इस तरीके से आपको यहाँ पर कट कर लेना है। मेरे चैनल पर और भी वीडियो अपलोड है इसी तरह की प्रिंसेस कट ब्लाउज की, सब नॉलेजेबल है, ज़रूर से उनको वॉच कीजिएगा। और वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा फ्रेंड्स। अगर आपको इसकी स्टिचिंग की वीडियो चाहिए तो कमेंट जरूर करना, मैं इसकी स्टिचिंग की वीडियो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो देखिए हमने सारे पार्ट यहाँ पर कट कर लिए हैं, उसके बाद स्लीव्स की यहाँ पर कटिंग करेंगे। तो स्लीव्स से यहाँ पर इसमें डिज़ाइन दी हुई है, ये देखिए यहाँ पर इस तरीके से। तो मैंने इसको कट नहीं किया है, यहाँ पर जो हमने स्लीव्स कट की है ना, छोटी नहीं बनाएंगे, लॉन्ग स्लीव्स बनाएंगे, इसका वीडियो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो देखिए यहाँ पर हमें जितनी भी बॉटम में राउंड चाहिए उतना ले लेना है, और यहाँ पर हमें इसकी जो लेंथ चाहिए वो ले लेनी है, जितनी आपको लेंथ चाहिए। 10 इंच रख रही हूँ यहाँ पर, 10 10 इंच 1/2 इंच, और यहाँ पर राउंड में जितनी भी वो स्लीव्स जो हमने काटी है ना उसको रख लेना है। और एक्स्ट्रा फैब्रिक यहाँ पर कम पड़ रहा है ना, तो यहाँ पर जो निकलेगा ऊपर से कपड़ा उसी से हम यहाँ पर जॉइंट लगा देंगे। तो यहाँ पर इस फैब्रिक को हम यहाँ पर जॉइंट लगा देंगे इस तरीके से। और यहाँ पर मैं जब स्लीव्स की कटिंग करूँगी और इसकी स्टिचिंग करूँगी तो आपके साथ इसका वीडियो शेयर करूँगी, बस आप एक बार कमेंट जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पर देखिए राउंड भी मिला लेना। ठीक है फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर।